केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत देश भर में जन औषधि केंद्र खुले हैं। अहमदाबाद के मणिनगर में जन औषधि केंद्र की शुरुआत लोगों के लिए बड़े फायदे का सौदा साबित हुई है। एवरीडे मारे लगभग 60-70 रुपया की दवा लेनी पड़ती है। अब एक दवा मैंने 10 रुपया नहीं मरती हो, मैंने 60-70% तो जनरली मैंने फायदो 50 रुपया पड़े एट मंथली वाण 150 रुपया फायदो थो साहब। अरे 1500 रुपया 1500 रुपया घनी मोटी वस्तु है एक लोअर मिडिल क्लास माटे। तो हमारे आधे पैसे बच जाते हैंगे, वही थोड़ा बच्चे लोग के लिए काम आ जाता है। जैसे मान लो सुबह का नाश्ता उससे हमारा निकल जाता है। जैसे 500 रुपए की दवा है तो हमको 250 में मिल रही है, तो वही 250 रुपया हमारे घर में काम आ जाता है। यही नहीं, इन स्टोर्स के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिले। पहला बीजा स्टोर पर लाइक ब्रांडेड स्टोर पर जॉब करती थी और अत्यारे हूँ प्रधानमंत्री जन औषधि स्टोर पर जॉब करूँ छू। मिलन शाह इस स्टोर के संचालक हैं और वो इस बात से बेहद खुश हैं कि लोगों को सस्ती दवाइयां मिल रही हैं। जन औषधि स्टोर चालू कर पहला मारो एक खुद नो एक मेडिकल स्टोर हतो, पण ए मेडिकल स्टोर में जे प्रमाण MRP थी, जे प्रमाण ने पेशंट ने जे दवाओ मोघी पड़ती थी ए जोईने आपने दुख थतुं हतुं। अने मोदी साहेबे त्यारे एक आ प्रधानमंत्री जन औषधि एक जनरिक मेडिसिन एक योजना बनाई, जेने लीधे मैं आ एक स्टोर चालू कर्यो, जनरिक मेडिसिन नो स्टोर चालू कर्यो। અને અહીંયા પેશન્ટો આવે છે ત્યારે પેશન્ટને બહુ જ રાહત થાય છે અને લોકોને કોસ્ટ એકદમ બહુ નીચલા ભાવે દવાઓ મળે છે અને સેમ ક્વોન્ટિટી અને સેમ ક્વોલિટી મળી રહે છે, તેના લીધે પેશન્ટને ઘણો જ ફાયદો થાય છે। લોકો કો ઇન ઔષધી કેન્દ્રો સે સીધા લાભ મિલ રહા હે, અબ ઉન્હે મહેંગી દવાઈયાં નહીં ખરીદની પડતી। સારી ગુણવત્તાની દવા છે એટલે હું આ સરકારનો આભાર માનું છું જેમણે ફર્સ્ટ ટાઈમ આવી ક્વોલિટી દવાનું ચાલુ કરી છે મેડિકલ। यकीनन ये जन औषधि केंद्र दवाओं की दुनिया में एक क्रांतिकारी कदम है। देश भर में इन स्टोर्स की उपलब्धता से न सिर्फ सस्ती बल्कि उच्च किस्म की दवाइयां लोगों तक पहुंचाने में सफलता मिल रही है।